हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हो यार सभी? आई थिंक सब अच्छे होंगे। सो गाइस, BGMI 1.7 अपडेट होने के बाद क्या आप लोग लग रहा है कि आपका सेंसिटिविटी चेंज हो चुका है? अगर सच में लगता है आपको कि सेंसिटिविटी चेंज हो चुका है तो गाइस ये वीडियो आप ज़रूर से पूरा देखना। एक नया पॉइंट ऐड हुआ है लेकिन आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। गाइस मैंने भी नोटिस नहीं किया था। गाइस मेरे को लगा गेम का ही कोई दिक्कत होगा, लेकिन फिर जाके मैं अपना खुद से जब सेंसिटिविटी बढ़ाने लगा तभी मुझे वो पॉइंट दिया। गाइस तो गाइस उसी पॉइंट को मैं दिखाने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो उसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। गाइस तो गाइस देखो सेंसिटिविटी में यहाँ पे जब आप जाओगे ना गाइस यहाँ पे, तो गाइस देखो स्क्रीन लिखा हुआ आ रहा है और नीचे देखो गाइस कैमरा सेंसिटिविटी, उसके नीचे जब जाओगे ना गाइस ADS सेंसिटिविटी, यहीं पे हो जाएगा गाइस आपका स्कैम। ये जो है ना ओपन किया हुआ है, जब मतलब ये क्लोज रहता है गाइस, आपको आप भी देखना गाइस आपका भी क्लोज ही रहेगा अगर आपने खुद से ओपन नहीं किया होगा। और ये जायरो के लिए भी है गाइस, आपको मैं पूरा बता दूंगा, बस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। गाइस देखो गाइस जब भी आप इसे ओपन करोगे ना गाइस तो आपका पूरा मतलब रीसेट हो जाएगा जैसे पहले जैसे था, मतलब आपका जो रियल सेंसिटिविटी वो यहाँ पे नहीं आएगा। गाइस अगर आपको अपना ADS सेंसिटिविटी पूरा मालूम है तो आप खुद से कर लेना, लेकिन अगर आपके पास नहीं है मतलब आप भूल चुके हो तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे। आप कैसे बना सकते हो अपना ADS सेंसिटिविटी, जैसे कि मानो ये रेड डॉट है, ठीक है? तो ये अभी मैं है 69, देखिए 3rd% मैंने छोड़ दिया, ठीक है? 1st% 3rd% वो PUTB के लिए। देखो गाइस सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, ये जो मैंने रेड डॉट खोला, ठीक है, ये जो रेड डॉट खोल के मैं जो मूव कर रहा हूँ ये उसका सेंसिटिविटी नहीं है ADS। ADS का सेंसिटिविटी है फायर, मतलब जैसे ही मैं इसको पकड़ के मैं जैसे मैं फायर करूँगा ना गाइस, ये जो फायर कर रहा हूँ मैं, तभी उसका सेंसिटिविटी काम करेगा, मतलब समझ रहे हो? मान लो मैं स्कोप खोल के मूव कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को मूवमेंट थोड़ा सा बढ़ाना है तो मैं ADS नहीं बढ़ाऊँगा, मैं कैमरा बढ़ाऊँगा, तो कैमरा में प्रॉब्लम है। अगर आपको ADS में ठीक करना है तो आप मतलब फायर बटन दबा के देख लेना कि आपका रिकॉल कंट्रोल हो रहा है या फिर नहीं, तो फिर जाके आप ADS बढ़ाना। समझ में आया गाइस? अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको 3x करके भी दिखा देता हूँ। गाइस देखो जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरा अभी 3x में कोई सेंसिटिविटी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो गाइस मैं अभी 3x को मूव कर रहा हूँ, ठीक है, और रिकॉल कंट्रोल जब मैं नहीं कर पाऊँगा, जैसा कि मेरे को लगता है कि मैं रिकॉल कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे ADS को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जो ADS सेंसिटिविटी है। फायर करते वक्त मैं रिकॉल कंट्रोल को नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मेरे को लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कम है थोड़ा सा, तो मैं बढ़ाऊँगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं 3x को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है, देखो गाइस 13 कर दिया, ओके। अब देखो गाइस मैं रिकॉल कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा सही से, ये देखो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा जायरो वर्क कर रहा है, इसीलिए ये मतलब थोड़ा बहुत हो रहा है रिकॉल कंट्रोल। अभी मैं जायरो पॉइंट पर भी आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको जैसे था मैं वैसे कर देता हूँ। अब देखो गाइस रिकॉल में कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाऊँगा, मेरा था थोड़ा सा कम हो चुका है, ओके 37 कर दिया। अब देखो गाइस रिकॉल कंट्रोल सही से मैं कर पा रहा हूँ ना, तो वही है गाइस। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा करना पड़ेगा तो आपको ADS को ज़्यादा कर देना है। तो इसी तरीके से बाकी सेंसिटिविटी आप सजा लेना, जैसे कि 6x 4x जो भी रहता है आपका। और अब आते हैं गाइस जायरो पे, ठीक है, जायरो पे भी आपको दिखेगा गाइस यहाँ पे ओपन और क्लोज, और आपका क्लोज ही रहेगा गाइस, आपका ओपन नहीं रहेगा गाइस, देख लेना आप ध्यान से। और जैसे ही आप जायरो को ओपन करोगे आपका पूरा रीसेट हो जाएगा गाइस, आपका जो भी सेंसिटिविटी है आपको नहीं मिलेगा गाइस, तो फिर से बनाना पड़ेगा। तो देखो गाइस जायरो में क्या होता है, आपका सब कुछ सेम रहेगा, मतलब अगला जो मैंने पहले जो प्रोसेस समझा वही सेम रहेगा, लेकिन आपको बस जायरो पे वर्क करना पड़ेगा, मतलब ADS का मतलब फायर बटन, मतलब जैसे ही फायर बटन करके लग रहा है कि आपका रिकॉल कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, तो आप उस तरीके से जैसे मैंने समझाया आप कमा करके ADS को ठीक कर सकते हैं। मतलब ADS का मतलब फायर बटन है, स्कोप मूवमेंट नहीं है गाइस, मूवमेंट होता तो कैमरा पे आप सेट करते, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से मतलब आप पूरा सजा लेना गाइस, किसी की कॉपी मत करना, अगर कॉपी करोगे तो गाइस आपको फिर से उस सेंसिटिविटी में हाथ बैठाना पड़ेगा गाइस, समझ रहे हो? अच्छे प्लेयर्स अपना सेंसिटिविटी खुद बनाते हैं गाइस, किसी का कॉपी नहीं करते गाइस, और किसी का कॉपी करके आप अच्छा नहीं खेल सकते हो गाइस, समझ में आया गाइस? तो आप खुद से बना लेना अपना सेंसिटिविटी। एक्चुअली मैं जायरो प्लेयर नहीं हूँ, ठीक है, मैं नॉन जायरो प्लेयर हूँ, और इसीलिए मैं इसको इस चीज़ को पॉइंट को मतलब मैं पकड़ पाया हूँ ध्यान से। मुझे मतलब एक सेंसिटिविटी में एकदम डिटेल में खेलना पड़ता है, मतलब डिटेल में काम करना पड़ता है, तभी जाके मैं इस चीज़ को पकड़ पाया हूँ गाइस। मेरे को लग रहा था कि मेरा सेंसिटिविटी ध्यान से काम नहीं कर रहा है, तो मैंने फिर से एक नया सेंसिटिविटी बनाने का सोचा, तभी जाके मुझे ये पॉइंट दिया गाइस, मतलब ओपन क्लोज। कितना बड़ा स्कैम था गाइस BGMI में ये, भाई ये नहीं होना चाहिए था गाइस। मतलब जिन ज़्यादातर देखना गाइस 90% बंदों का ओपन नहीं होगा गाइस आपका, आपका भी देख लेना गाइस, अगर आपका ओपन है तो आप ज़रूर से कमेंट में बताना, अगर क्लोज भी है तब भी कमेंट में बताना गाइस।
और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर से नीचे कमेंट में बताना भाई, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा। अगर सच में लगा है तो भाई ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर देना ताकि उन लोग को भी पता चल जाए, और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना गाइस, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मिलते हैं गाइस एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।